ये मैं हूँ, ये मेरा वॉशरूम है, हम टट्टी कर रहे हैं। सॉरी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज हितेश जशनानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सॉरी मैं बहुत दिनों से एक्टिव नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत चीज़ें लाइफ में ऑक्यूपाइड थी और मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही थी तो मैं नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली मैं आ गया हूँ। आपने पढ़ लिया होगा कि क्या दिखाने वाला हूँ मैं, घर दिखाऊँगा आप लोगों को। तो ये मेरी बिल्डिंग है और बर्फ़ देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा है। मैं पैर घुसा के देखूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत डीप है। तो छोड़ो, रहने दो, मेरे ये ख़राब हो जाएंगे क्रॉक्स। बाकी ये नहीं, एड्रेस पता लग जाएगा। बाकी वो हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, ये देखो पड़ रही है, अभी अभी शुरू हुई है। तो आ गया, शायद पीछे आ ही गया, चलो जो भी है। तो ये मेरी बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। हमने 2 BHK अपार्टमेंट लिया है और पहले वाला 3 BHK था। तो काफ़ी चीज़ें थी जो नहीं हो रही थी, मतलब नहीं हो रही थी मैनेज वगैरह। तो इस वजह से अब हमने 3 BHK अपार्टमेंट लिया और अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। और दिखाते दिखाते आपको ये बोल दूँ, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा दिल से भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि आई हैव यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कि मेरा घर कैसे है। मैं इस तरफ से इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि 2 साइड की एंट्री है, बट मैं आपको इसलिए वो दिखाने वाला हूँ क्योंकि उसके अंदर बजर कोड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बजर कैसे काम करता है। तो मैं बजर दिखाने वाला हूँ आपको। स्नोफॉल बहुत तगड़ी हो रही है यार, शुरू हो गई अभी, जस्ट शुरू हो गई है स्नोफॉल। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को आज। मैं बहुत दिनों बाद ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही थी। मैंने छोटी बना ली, देख लो गाइस। तो बाल अभी नहीं कटवा रहा, काफ़ी लोग कह रहे थे बाल क्यों नहीं कटवा रहा। बाल नहीं कटवा सकता अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी चीज़ें हैं, तो नॉट पॉसिबल। बाकी मैं आपको सच में सच्चे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप मेरे सारे जिगर हो, जिगर, मेरा जिगर हो आप लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और जो भी नए आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो आप लोग। बड़ा मतलब अगर करोगे सब्सक्राइब तो बड़ी खुशी हो जाती है, वो तो आपको पता ही कितनी खुशी होती है। मांग रहा हूँ मैं कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बट मुझे लगता है कि मेरा हक है क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, तो अपनों से अपना हक मांग लेना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने हक से बोलता हूँ आप लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो अब सब्सक्राइब कर देना। आगे दिखाता हूँ। वैसे ये साइकिल्स पड़ी हैं, मैं भी साइकिल लेने वाला हूँ समझ में। ऊबर ईट्स मैंने भी करनी है क्योंकि आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, तो इस वजह से ऊबर ईट्स करेंगे। भाई बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है और मुझे अपनी दाढ़ी भी ट्रिम करनी है, मेरा मुँह मोटा लगने लग गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम अंदर चलते हैं, मैं आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ। ये है एंट्रेंस, यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ और उस तरफ से भी एंट्रेंस है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। तो गाइज़ ये रही एंट्रेंस, चलते हैं अंदर। इसके लिए मेरे पास एक स्पेशल की है, लोग अंदर नहीं घुस सकते इसके बिना। और मेरी चाबी कहाँ है? चाबी ऊपर तो नहीं भूल गया मैं? शिज, शायद चाबी ऊपर भूल गया। नहीं, मिल गई। तो ये है कि ये टैप होती है तब खुलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने ये खोला, ठीक है। ये खोलने के बाद अब जैसे ये है, ये टैप करूँगा तो ही खुलेगा, और अगर मैं बंद कर दिया तो रेड हो जाएगा और फिर ये खुलेगा नहीं। बाकी एक और ये चीज़ है, ये बजर कोड है, जो भी अगर नीचे बंदा आता है तो मैं उसको बोल सकता हूँ तो ये बजर दबा दे, ऐसे 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 बजर दबा दे, तो मतलब बजर दबा दे और फिर हम ऊपर से उसको एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल पे आता है तो वहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा तो बंदा ऊपर आ जाएगा। बट अभी अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। यहाँ से ऊपर जाने से पहले वैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा 2nd फ्लोर पर। बट उससे पहले ये सारे मेल बॉक्सेस हैं, यहाँ पे मैं मेल बॉक्स वगैरह अपना देख ही लेता हूँ, आया हूँ तो। लेट्स चेक। तो ये मेरी मेल बॉक्स की है। ओहो, मेल आए हुए हैं वैसे तो। वैसे मेल आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ये, तो लेट मी जस्ट कीप इट विद मी। चलते हैं आगे। ये चाबी, अब मैं आपको लॉन्ड्री भी दिखाता हूँ। लॉन्ड्री इसी बिल्डिंग के अंदर है, पीछे जा बाहर, तो लॉन्ड्री इसी बिल्डिंग के अंदर है और ये हमारा लॉन्ड्री रूम है और इसके लिए भी मुझे सेम की का एक्सेस चाहिए तभी मैं अंदर जा सकता हूँ। तो वो चाबी निकाल तो लूँ, कहाँ घुसा दी मैंने चाबी फिर, शिज मैन। ये रिक्की, मैं इसको यहाँ पे टैप करूँगा और ये, ओए खुल नहीं रही, खुल, अरे हाँ खुल गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ अंदर जाते हैं और ये लॉन्ड्री रूम आ गया मेरा। तो ये एग्जैक्टली लॉन्ड्री रूम है, यहाँ पे हम कर सकते हैं लॉन्ड्री। यहाँ की सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये कार्ड है, यहाँ कॉइन लॉन्ड्री नहीं है तो कॉइन लॉन्ड्री से बंदा बच जाता है और यहाँ पे सस्ती है लॉन्ड्री। तो मैं लॉन्ड्री के बाद में डिटेल्स बताऊंगा, बट ये कार्ड है, ये कार्ड है, इसके अंदर ऐसे इंसर्ट होता है, इसके अंदर इंसर्ट होता है ऐसे और हो जाती है, बट वो बच गए, मेरे पैसे कट जाते हैं, अभी बच गए मेरे पैसे, बच गए। तो ये है, इसके अंदर इंसर्ट होती है, ऐसे घुस जाती है और यहाँ से आप रिचार्ज करा सकते हो। इसके अंदर आप घुसाओगे तो आपका रिचार्ज हो जाएगा जो भी आपको अमाउंट डालनी है, और लॉन्ड्री यहाँ सस्ती है तो बस बढ़िया चीज़ हो गई ये। तो लॉन्ड्री बिल्डिंग के अंदर है तो लॉन्ड्री का थोड़ा इधर उधर का सीन बच गया। अब हम चलते हैं मेन घर की तरफ जो मेरे को आपको दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, भेजने मेरे को आगे। ओह बाहुबली बंद कर दो, हो जाएगा बंद। तो लेट्स गो। हाँ, और ये मेरी दूसरी साइड है घर की, मतलब यहाँ से भी मैं एंट्री मार सकता हूँ बट वहाँ से मैं आपको बजर कोड नहीं दिखा पाता, इसलिए मैं यहाँ आया नहीं, और यही वाली की मेरी यूज़ होती है। तो मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, अब यहाँ से हम निकले, ये मेरा घर आ गया। अब मैं यहाँ से भी, मेरे को ये चाहिए खोलने के लिए, तो ये घुसेगा अंदर और खुल जाएगा। लेट्स गो, आ जाओ घर के अंदर। स्वागत नहीं करोगे हमारा? आओ अंदर चलो, पहले अंदर चल के शीशा दिखा दिया जाए, बट लाइट ऑन करनी पड़ेगी। टंग टंग टडंग। तो मेरा घर बहुत ही सेक्सी है। ये रख दी चाबी मैंने, ये रख दी डॉक्यूमेंट्स। मेरा घर बहुत बढ़िया है बट अभी थोड़ा सा मैसी हो रखा है क्योंकि अभी हमने थोड़ा बहुत इधर सामान और करना है कि घर से बंदे बंदे मूव हुए तो हुआ करा, तो ये लगेगा। सो दैट्स हाउ वी कम इन। और ये और बंद होगी लाइट, सॉरी। हाँ, तो और हम ऐसे अंदर घुसते हैं, ये हमारी एंट्रेंस है, ये हमारा शीशा है। बट शीशे में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जैकेट्स रखते हैं, ये देखो जैकेट, थोड़ा बहुत ऊपर सामान वगैरह जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है। तो जैकेट्स के लिए है मेनली ये पूरा, और थोड़ा बहुत जो अगर आपको अपने वेले जूते रखने जो आप यूज़ नहीं करते। फिर हम आते हैं अपने ड्राइंग रूम में। दिस इज़ हाउ माय ड्राइंग रूम। ये आपको पता ही है, ये आपको पता है, कोई ना कोई तो करता ही होगा घर पे, तो वो मैं बताना नहीं चाहता। बस तो ये था घर और ये अपना ड्राइंग रूम। फिर यहाँ से ड्राइंग रूम में आते हैं तो यहाँ बैठ सकते हो। ये मेरे छोले भटूरे मैं लेकर आया हूँ, आज खाऊँगा, बहुत दिन से तलब हो रही थी बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी छोले भटूरों की, मैं बता नहीं सकता। मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें ना फ्रेश फ्रेश से तल रहे थे, मैं का मन कर गया आज तो खाएंगे भाई, तो छोले भटूरे लेकर आया हूँ। घर की आपको सबसे एंटीक चीज़ दिखाता हूँ मैं, वो है ये। तो जो मेरी दीदी इस घर में रहती थी, अभी वो यूएस गई हुई हैं, वो है बियर ब्लॉगर, तो उन्होंने ये सारी बियर्स से टेस्ट करी हुई हैं। तो ऐसी कैंस वगैरह ये तो आपको पता ही है, ऐसे पड़ी रहती हैं घर में हमारे, ये भी उनका ही है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब हमारा जो ये ड्राॅइंग रूम लिविंग एरिया है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये मेरी चेयर ऐसे ही बैठने के लिए। सो ये अपना है ड्राइंग रूम और ये किचन है, ये किचन आपको दिखा देता हूँ मैं। तो किचन ये रही, ये फ्लैब है अपना, माइक्रोवेव, ये धोने वाले बर्तन वगैरह जो थोड़े बहुत हैं, और यहाँ पे जो रखा हुआ है कल बनाया था सामान, ये अपने ग्लव्स, वही अपना ओवन, ये सारी चीज़ें, ये ब्रेड, ब्रेड तो ये रही, ये फ्रिज। फिर सबसे मेन और एसेंशियल पॉइंट जो शायद मैं करना भूल गया अभी, बट नहीं, आई एम गुड। तो मेन ये है कि जब हमने इस घर में क्या करें कि हम इस घर में घुसते हैं तो हम ये सारा चीज़ स्नो से आते ही इस ट्रे में रखते हैं, वरना घर पूरा गीला हो जाता है। और फिर सफाई करनी पड़ती है अच्छे से, तो ये घर मोस्टली साफ रहता है, तो इस वजह से हमने ये सीन बनाया हुआ है। और यहाँ पे घर गंदा नहीं होता, तो ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर वी गो टू आवर वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो लेट्स गो। ये लगा हुआ है शीशा, ये लगी हुई है लाइट्स, जूम क्यों नहीं हो रही? ये देखो, ये लाइट्स लगी हुई हैं, ये अपना शीशा लगा हुआ है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा वॉशरूम है, हम टट्टी कर रहे हैं, पार्टी हो रही है। तो ये अपना सॉरी, तो ये अपना वही अपना बाटा वगैरह, ये वॉशरूम है, यहाँ टट्टी कर रहे थे हम, तो बस ये था अपना। और इसके एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके पीछे खजाना है गाइस। बस ये था, तो अपना वॉशरूम कंप्लीट हो गया। ये 2BHK अपार्टमेंट है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ रूम। तो पहला रूम हो गया ये वाला रूम, थोड़ा मैसी है और मैं आपको बताया जैसे सब शिफ्ट हो रहे हैं, तो दिस दैट्स हाउ द रूम लुक्स लाइक। और ये यहाँ पे भी खिड़की है। सबसे अच्छी बात इस घर की है कि यहाँ खिड़की है, और खिड़की बहुत टाइम से मेरे को मिल नहीं रही थी। आप मानोगे कि मैं जब मैं बेसमेंट से निकल कर आया हूँ 6 महीने में, तो ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी रोशनी क्यों है, सोचो ऐसा फील होने लग गया कि रोशनी क्यों है इतनी ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है। और सबसे अच्छी बात इस घर की है कि स्केड्यूल बन गया मेरा, मेरे अपने आप ही 8-9 बजे नींद खुल जाती है। सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे मैं कितने बजे भी सोऊं, रोशनी की वजह से तो ऊपर के नो घर बहुत सही है। और ये मेरा रूम है, हितेश यूट्यूबर, चलो लेट्स गो। तो ये मेरा रूम है, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। ये मेरा बेड लगा हुआ है, ये मैंने थोड़ा बहुत मैट लगाया हुआ है कि अब कभी लेट जाओ कर जाओ, ऐसे कभी बैठने का मन करता है नीचे। ये मैंने नई चीज़ बनाई है ये चीज़, बट मैं अपना हो रूम टूर भी बहुत बढ़िया देने वाला हूँ, तो दैट्स हाउ माई रूम लुक्स लाइक। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है, तो डोंट वरी। सबसे अच्छा पार्ट ये है, सी द बेस्ट थिंग, द बेस्ट थिंग। और मैं अपना वॉर्डरोब भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे वॉर्डरोब ये शीशा लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सी, और मैं इसके अंदर सामान रखता हूँ अपना, बहुत सारा सामान है। बस मैं अपना रूम टूर आपको दूंगा बढ़िया तरीके से, बट दैट्स हाउ माय रूम लुक्स। आप ऐसे देख लो, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने रूम टूर देना है, इसलिए मैं अभी आपको ज़्यादा दिखा नहीं रहा। तो यही हमारा 2BHK अपार्टमेंट था। मैं आपको दिखा दिया कि ऊपर से नीचे क्या सीन है, क्या करता हूँ मैं, क्या नहीं करता। आओ हम सोफे पर बैठ के बात करें। सो गाइज, ये मैं हूँ, ये मेरा घर था, और अब हम पार्टी करेंगे रात को। आज रात को वैसे पार्टी है, तो मैंने कहा चलो उससे पहले ब्लॉग बना लेते हैं। और यही मेरा घर था, एंड दैट्स हाउ इट इज़, एंड दिस इज़ माई होम, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। और कमेंट करके बताओ कि इस घर में क्या हम एडिशनल चीज़ें डाल सकते हैं कि घर अच्छा लगे, या और भी कुछ, क्योंकि मंदिर वहाँ पे है। सबसे अच्छी बात है मंदिर भी है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी विंडो है, ये कर्टन लगे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया घर है। मतलब घर इज़ लाइक वेरी वेरी गुड। तो घर मुझे फर्निश्ड मिला था, और मतलब बहुत अच्छा घर है, अच्छा मेंटेन्ड है। मैं आपको रेंट की बात बताऊँ तो मैं रेंट वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 650 के करीब देता था, 620, 30, 40, ऐसे 50 भी हो जाता था। यहाँ पे मेरा वही सेम है, 600 प्लस हाइड्रो। और सबसे अच्छी बेस्ट बात है कि मेरे को ऊपर का घर मिल गया, रोशनी आ गई, मतलब घर थोड़ा खुला है, अच्छा है, लिविंग एरिया अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट एंड बेस्ट हाउस। तो इतने में चलता है, मुझे प्राइवेट रूम ही चाहिए था, आपको पता ही है जैसे। तो यही सारा सीन है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन, एंड वट एवर यू वांट टू सी नेक्स्ट। वैसे मैं सोच रहा हूँ बर्थडे ब्लॉग डालूँ, मेरा बर्थडे सरप्राइज़। आप देखोगे तो आपको खुद शौक हो जाओगी कि वाओ मैन, इतना अच्छे से बंदे को सरप्राइज़ किया, और मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ को लेके। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो अगर आपको मेरा बर्थडे ब्लॉग भी देखना हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना कॉमेंट सेक्शन में। और मैं सोच रहा हूँ एक्सपेंसेस की वीडियो बनाऊँ, आपको पता लगना चाहिए यहाँ के एक्सपेंसेस का क्या सीन है। और मैंने आपको ग्रॉसरी टिप्स भी देनी है कि ग्रॉसरी आप महीने की $100 या 100-120 डॉलर में कैसे कर सकते हो बहुत आसानी से। तो बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं और मैंने बनानी है, वो मैं बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा। बाकी दैट इज़ मच फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। और अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा दिल से और अपने हक से अपनी फैमिली से मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा जिगर हो, बहुत बड़ा जिगर है मेरा। और आप भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे इंसान हो, जो भी आप सारे देख रहे हो वीडियो। आई रियली लव यू, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन। टेक केयर, हैव अ गुड वन, बाय बाय।